स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजा धरना स्थल पर सभी स्टाफ नर्सों ने धरने पर बैठकर आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही नर्सों का मानना है कि अभी तक हम लोगों की लोक सेवा आयोग की तरफ से ज्वाइन नहीं की जा रही है, मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, जिसको लेकर सभी लोग काफी दिनों से संघर्ष भी कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ना ही शासन ना ही आयोग इन लोगों की बात को मान रहा है। अगर वक्त रहते इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने को बाध्य करेंगे। हम यहाँ पे चयनित स्टाफ नर्स 2021 हम लोगों का एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, उसका रिजल्ट, उसका जो वेरिफिकेशन था वो जनवरी में सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने 3 महीने का टाइम दिया था कि आपको 3 महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई है। मैं बस यही पूछना चाहूँगी कि ऐसे हम लोगों से क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है जो आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं? अगर आपको ज्वाइनिंग देनी है तो टाइम से ज्वाइनिंग दीजिए। बच्चे हम लोग नौकरी छोड़ छोड़ के घर पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, घर पर कैसे बताइए गुजारा करेंगे हम लोग, तो आपको ज्वाइनिंग दीजिए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से, सीएम योगी से कि सर हमें बस नौकरी दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस यही मांगे हैं कि हमें हमारी नौकरी टाइम से दे दीजिएगा। बस यहाँ पे पूरे ऑल ओवर यूपी से, मैं अलीगढ़ से हूँ यहाँ पे अभी जी, अदर स्टेट से भी है, राजस्थान से, पंजाब से और दिल्ली से, नोएडा से, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नियुक्ति का आश्वासन हम लोग हर बार आयोग, लोक सेवा आयोग जाते हैं, वो हर बार हमें बस यही आश्वासन देते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग, आपकी फाइल्स लखनऊ 15 दिन में पहुंच जाएंगी, 1 महीने में पहुंच जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी, अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी फाइल वहाँ पे पहुंच चुकी है और आपकी नियुक्ति इतने दिन में हो जाएगी। 3 अक्टूबर 2021 को हमारी एग्जाम हुआ था यूपी स्टाफ नर्स, जो लोक सेवा आयोग से वैकेंसी निकली थी, उसके बाद दिसंबर में पहला रिजल्ट निकला था, 4 जनवरी को दूसरा फाइनल रिजल्ट निकला था। ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं सर, तब से उसकी पूरी जनवरी में हमारा मार्कशीट वेरिफिकेशन हो गया था, जनवरी में सारे प्रोसेस हो चुके थे और जनवरी में इन्होंने बोला था कि मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च से अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं। ऐसा हम लोग 5 बार लोक सेवा आयोग से, सचिव से, उप सचिव से मिल चुके हैं, वो हर महीने हमसे कहते हैं कि इस महीने के अंत में हो जाएगा, इस महीने के अंत में हो जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो, 1 साल होने जा रहा है वैकेंसी को। वित्त मंत्री ने हमारा बजट पेश कर दिया है पार्लियामेंट में कि हम ज्वाइनिंग दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या माने, क्या पेट फंस रहा है, किस वजह से हो पा रहा है, क्या लग रहा है? अब सर ये तो आयोग ही जवाब देगा कि क्यों नहीं हमें ज्वाइनिंग दी जा रही है, ये तो उसी जवाब के लिए हम भी बैठे हैं, आए और हमें जवाब दें। इससे पहले 5 धरने हो चुके हैं, हर बार हम उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है अगली बार आएंगे, ठीक है अगली बार हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है। आगे आगे यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? तो ये धरना मेन ऐसे ही बना रहेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम लोगों का एग्जाम 3 अक्टूबर को हुआ था 2021 को, परिणाम इसका 4 जनवरी को जारी हो गया था और जनवरी माह में हम लोगों का सफल वेरिफिकेशन हो गया था डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद निरंतर प्रक्रिया इनके बाद बढ़ाई जा रही है कि ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने होगी, अगले महीने होगी। हम 3 से 4 बार आयोग के सामने धरना दे चुके हैं, फिर भी आयोग का यही रहता है कि जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, और हम लोग 3 से 4 बार कर चुके हैं ये। कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए? हम लोग पूरी यूपी से आए हैं सर, ऑल यूपी में आए हैं, कोई मेरठ से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई बलिया से, कोई बस्ती से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, अदर स्टेट से भी आए हुए हैं सभी अभ्यर्थी, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं सर। हम लोगों की बस एक ही मुख्य मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, और सर देखा जाए तो आश्वासन पास आयोग के द्वारा हमें जितनी बार भी धरना होता है आश्वासन का आश्वासन मिलता है कि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी होगी, भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी, जल्दी होगी। देखा जाए अब तक हम 3 बार आयोग के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार तो हमसे कोई मिलने भी नहीं आया इस बार के प्रदर्शन में।